नमस्कार, मैं रिंकी पराशर सरकारी हाई स्कूल चैना फरीदकोट से। उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन फतेह के बारे में। मिशन फतेह सरकार द्वारा कोरोना नाम की बीमारी पर फतेह हासिल करने के लिए चलाया जा रहा है। इस मिशन का मकसद है कोरोना नाम की इस बीमारी को हराना, उस पर जीत हासिल करना। प्यारे बच्चों, माना कि ये भयंकर बीमारी है, बहुत ही भयानक बीमारी है, लेकिन हमें इस बीमारी से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि इससे लड़ने की जरूरत है। हम थोड़ी सी सावधानियों का ध्यान रखकर इस बीमारी पर फतेह हासिल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखना। बच्चों, अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं, और अगर कोई बहुत जरूरी काम है, घर से बाहर जाना ही है, तो मास्क का प्रयोग करें, मास्क लगाकर जाएं। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो किसी कपड़े से अपने मुंह को ढककर जाएं, और जब भी बाहर से आएं तो अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर धोएं। घर में बने हुए ताजा भोजन का इस्तेमाल करें। बाहर की तली भुनी चीजें, जंक फूड बिल्कुल भी ना खाएं। ठंडी चीजों से परहेज करें, ठंडा पानी ना पिएं, और अगर हो सके तो हल्का गर्म यानी कि गुनगुना पानी पिएं। चाय पीते हो आप तो चाय में तुलसी, अदरक, लौंग, दालचीनी आदि डालकर पिएं। और बच्चों, घर के कामों में अपने माता पिता का सहयोग करें। कसरत करें, विटामिन सी वाली चीजें, नींबू आदि का ज्यादा प्रयोग करें। बच्चों, आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो इसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है, तो बच्चों समय बहुत कीमती है, इस समय को व्यर्थ नहीं गवाना है। आपके टीचर जो भी काम आपको भेजते हैं उस काम को अच्छे से अपनी कॉपी पर लिखें और याद करें। सरकार द्वारा जो भी हिदायतें दी जाती हैं उन हिदायतों का अच्छे से पालन करें। बच्चों, ये संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी में सरकार हमारे भले के लिए कुछ नियम बनाती है, तो हमारा भी फर्ज है कि हम उस नियमों का पालन करें। सरकार द्वारा आपकी भलाई के लिए रेडियो और टेलीविजन पर शिक्षा के जो प्रोग्राम दिखाए जाते हैं उन प्रोग्रामों को देखें, और जो भी काम बताया जाता है उस काम को याद करें। बच्चों, इससे क्या होगा कि आपके ऊपर पढ़ाई का बोझ एकदम से नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, मैं जानती हूँ कि आप सभी अपने स्कूल, अपने अध्यापकों, अपने साथियों को बहुत ज़्यादा याद कर रही हो। तो बच्चों, याद तो आती है, लेकिन उम्मीद रखिए, हौसला रखिए, जल्द ही अच्छा समय फिर से आएगा। हम उसी तरह फिर से मिलेंगे और उसी तरह से अपने स्कूल लगेंगे। बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जल्दी बहुत अच्छा समय आ जाएगा। बस आपको ज़रूरत है हौसला रखने की। ये वक्त कैसा भी हो गुजर जाएगा, ये वक्त कैसा भी हो गुजर जाएगा। आज अगर दर्द है तो कल सुख का नया सूरज भी आएगा। रख हिम्मत ए बंदे, रख हिम्मत ए बंदे, सुख का सूरज फिर से निकलेगा और फिर से सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आओ मिशन फतेह का साथ दें और कोरोना पर फतेह हासिल करें। तो बस मैं इतना ही कहूँगी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।